हाय, तो अक्सर ये होता है, लोग कुछ तो हायर कर लेते हैं, डाइट मिल जाती है, सब हो रहा है, लेकिन हाँ वेट नहीं कम हो रहा है। तो लोग कहते हैं हमारी ना आप कैलोरी और गिरा दीजिए तो फिर हमारा वेट कम हो जाएगा। वहाँ पे प्रॉब्लम कैलोरी का नहीं होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है एडहेरेंस का। आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस। आप खाना दूसरों को प्लीज करने के लिए खा ले रहे हैं, किसी ने कहा यार खा लो, कुछ नहीं होता, आज खा लो, तो हफ्ते में से 7 दिन में से आपने मे बी 5 दिन अपने हिसाब से खाया और डाइट के हिसाब से, और बाकी दिन आपने किसी और के हिसाब से खा लिया। उसमें आपने करीब 2,500-2,500 कैलोरीज एक्स्ट्रा भी खा ली, तो वो आपको पता नहीं लग पाया, तो वो एक गड़बड़ हो गया। तो ये सारा कुछ होने के बाद में होता क्या है, आप जब स्केल पे अपने को चेक करते हैं या इंचेस नापते हैं या जिस भी तरह से आप अपनी प्रोग्रेस ले रहे हैं, आता है कि अरे प्रोग्रेस तो हुई नहीं, तो आपको लगता है डाइट काम नहीं कर रही है। डाइट का प्रॉब्लम नहीं है, एडहेरेंस का प्रॉब्लम है। कैलोरी डेफिसिट आप चाहे जैसे भी क्रिएट करिए, एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू कीप योर मैक्रोज इन माइंड, दैट्स फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर एज वेल। अगर ये चीज़ें नहीं ले रहे हैं और आप अपनी वो कैलोरीज को हिट नहीं कर रहे हैं जो कोच ने दिए, तो रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो जो भी आपने डाइट बनाई है या कोच ने बना के दिए, उसको 100% एडहेयर करके तो देखिए रिजल्ट आएगा ही आएगा। शर्तिया, होप दिस हेल्प्स।